अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना मोहब्बत बजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। आइए एक औरत की ज़बान में औरत के दर्द गम सदियों की कहानियाँ लफ्ज़ों में किस तरह समेट कर गज़ल बनाती है, इसके लिए मैं राना तबस्सुम से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आप बहुत ही खूबसूरत मुशायरा समाप्त फरमा रहे हैं। एक मरतबा डाइस पर मौजूद तमाम मोतबर शख्सियात के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं इन तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं जो अपने इलाके से माशाल्लाह सुरखुरू हुए हैं, बग़ैर किसी तमहीद के चार चार मिसरों से अपनी बात रखना चाहती हूं। आप सभी की दुआएं चाहती हूं, पढ़ती हूं, सुनिएगा। डाइस से तवज्जो की तालिब हूँ, पढ़ती हूँ। हर कोई वफाओं का पयंबर नहीं होता, हर कोई वफाओं का पयंबर नहीं होता, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। दस्तार फजीलत कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है, हर सर को ये एज़ाज़ मयसर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक साथ ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। देखिए, मैं कई देर से महसूस कर रही हूँ कि यहाँ अभी तक मुशायरे का माहौल नहीं बन पाया है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी शायरी सुनना और समझना बखूबी जानते हैं। बग़ैर किसी तमहीद के चार मिसरे फिर आपके गोश गुजार करना चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। पढ़ती हूँ, आप तमाम लोगों की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। कि हमने भारत के तकद्दुस की हिफाजत की है, हमने भारत के तकद्दुस की हिफाजत की है, हमने हर दौर में भारत से मोहब्बत की है, हम अहिंसा के पुजारी हैं, अमन के शहदा, हम अहिंसा के पुजारी हैं, अमन के शहदा, हमने गांधी की हिमायत। बेहद शुक्रिया, बेहद मुझे आप सभी की दुआएं मिल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर जिस तरह की शख्सियात मौजूद हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उनकी तारीफ बयान करने के लिए, लेकिन अपनी शायरी के जरिए आप सभी को जोड़ना चाहती हूँ, आप सभी की शिरकत चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा, बतौर खास मुलाजा फरमाए। मैं अपनी ज़िंदगी में, देखिए मैं आप सभी से ये इल्तिजा करती हूँ कि आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ती हूँ, सुनिए जी। जी, यहाँ पर खुसूसी मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ टेक योर सीट, आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू, प्लीज़ हैव अ सीट, हैव अ सीट। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं अपनी जिंदगी
नहीं सकती। हया का पास है तहजीब रुसवा कर नहीं सकती। अभी सर पर बुजुर्गों का मेरे साया सलामत है। अभी सर पर बुजुर्गों का मेरे साया सलामत है। तुम्हारी भूल है दौलत को सजदा कर नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी भूल है दौलत को सजदा कर नहीं सकती। मैं अपनी जिंदगी में काम ऐसा कर नहीं सकती। और बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। और जिस रंग की शायरी मैं करती हूँ, तगज़ुल के माहौल में आपको ले जाना चाहती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ और तवज्जो चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, सुनिएगा बग़ैर किसी तमहीद के। गज़ल का मतला पेश करती हूँ, समात फरमाएं। मेरे महबूब तू है मेरा आईना, मेरे महबूब तू है मेरा आईना। रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी, मेरे महबूब तू है मेरा आईना। रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी, तू मोहब्बत का एक चांद है मैं तेरी। तू मोहब्बत का एक चांद है मैं तेरी। चांदनी में नहा कर निखर जाऊंगी, मेरे महबूब। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। पढ़ती हूँ। मेरे महबूब प्यार क्या चीज है ये बता दूंगी मैं, प्यार क्या चीज है ये बता दूंगी मैं। अपना दीवाना तुझको बना दूंगी मैं, प्यार क्या चीज है ये दिखा दूंगी मैं। अपना दीवाना तुझको बना दूंगी मैं, पास आने कि मुझको इजाजत तो दे, पास आने कि मुझको इजाजत तो दे। एक दिन तेरे दिल में उतर जाऊंगी। वाह 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 वाह। मेरे महबूब तू है मेरा आईना। रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी, मेरे महबूब। शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैं मुसाफिर मोहब्बत की मंजिल है तू, मैं मुसाफिर मोहब्बत की मंजिल है तू। उम्र भर की दुआओं का हासिल है तू, मैं मुसाफिर मोहब्बत की मंजिल है तू। उम्र भर की हाथ से तेरा दामन अगर छूट गया, हाथ से तेरा दामन अगर छूट गया। इश्क में तेरे हद से गुजर
जाऊं वाह 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 जाऊंगी मेरे महबूब तू है मेरा आईना रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी मेरे महबूब। शेर बतौर खास देखिए ये बिल्कुल हकीकत के पस मंजर में शायरी है और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ इसको सुनने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। मैं इसका पस मंजर यूँ बयान करना चाहती हूँ कि मेरे शोहर जो हैं शोहर मोहतरम कई सालों से बाहर हैं कतर में सर्विस करते हैं और मैंने उनकी गैर मौजूदगी में ये गज़ल कही है और ये उन्हीं के लिए है। देखिए मैंने लिखी उनके लिए है लेकिन पढ़ आपके लिए रही हूँ इसलिए आप सभी की दुआएँ चाहती हूँ। उसी मोहब्बत के साथ सुनिएगा पढ़ती हूँ सुनिएगा कि मेरे महबूब तू है मेरा आईना रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी मेरे महबूब दूर रह कर मैं एक पल न रह पाऊंगी दूर रह कर मैं एक पल न रह पाऊंगी हम नशीनों के ताने न सह पाऊंगी दूर रह कर मैं एक पल न रह पाऊंगी हम नशीनों के ताने न सह पाऊंगी कर लिया मुझसे तूने किनारा गर प्यार कर लिया मुझसे तूने किनारा गर मुझको तू ही बता मैं किधर जाऊंगी। हालात हाजरा को मद्देनजर रखिए हमारी बेटियों और बहनों के साथ क्या हो रहा है आप बखूबी जानते हैं। किसी अखबार के हवाले से या किसी टीवी के या यूट्यूब के हवाले से बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हालात के पेश नज़र शेर पढ़ने की कोशिश करती हूँ पढ़ती हूँ सुनिएगा कि मेरे महबूब मेरी हसरत है तू मेरी चाहत है तू मेरी हसरत है तू मेरी चाहत है तो दिल के मंदिर की पाकी जमूरत है तो मेरी हसरत है तो मेरी चाहत है तो दिल के मंदिर की पाकी जमूरत है तू की अमानत मैं तू। देखिए बहुत चैलेंजिंग शेर पढ़ रही हूँ और आप सभी के एक एक शख्स की दुआएं चाहती हूँ पढ़ती हूँ कि अमानत मैं तूने खयानत अगर की अमानत मैं तूने खयानत अगर मौत आने से पहले ही मर जाऊँ बहुत शुक्रिया आपने मुझे माहौल दिया बहुत अच्छा लग रहा है मैं आप सभी की सिपास गुजार हूँ बहुत अच्छा लगा पढ़ती हूँ सुनिएगा बगैर किसी तमहीद के मक्ता पेशे खिदमत है पढ़ती हूँ सुनिएगा कि मेरे महबूब तू है मेरा आईना रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी मेरे महबूब। शेर बतौर खास तवज्जो चाहती हूँ पढ़ती हूँ सुनिएगा कि इन मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे इन मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे
आपकी दुआएं मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ती हूँ सुनेगा। के मुखालिफ हवाओं का रुख मोड़ दे, अब तो पर्दे से जाने की जिद छोड़ दे, तू तबस्सुम को एक दिन तरस जाएगा। अंबर साहब, आपकी खुसूसी दुआएं चाहती हूँ। देखिए किस तरह से अल्फाज का, लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, पढ़ती हूँ सुनिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है आप सभी से कि तू तबस्सुम को एक दिन तरस जाएगा, टूट कर भी मैं जिस दिन बिखर जाऊंगी मेरे, वाह मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी, तू मोहब्बत का एक चांद है, मैं तेरी चांदनी में नहा कर निखर जाऊंगी मेरे महबूब। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। पढ़ती हूँ सुनिएगा। मेरे महबूब तू है मेरा आईना, रूबरू हो के तेरे सवर जाऊंगी मेरे, मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तू, मेरी हसरत है तू, मेरी चाहत है तू, दिल के मंदिर की पाकी जमूरत है तू की अमानत, मैं तूने खयानत अगर की अमानत, मैं तूने खयानत अगर मौत आने से पहले ही मर जाऊंगी महबूब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला, बहुत अच्छा लगा। देखिए वक्त बहुत कम है और मुझे लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश पूरी करनी है, सिर्फ 3 अशार आपके बीच में रखना चाहती हूँ। अंबर आज़मी मेरे बहुत ही बड़े भाई हैं, मोतबर शख्सियात में से हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, मैं उनकी फरमाइश को जो है रद्द नहीं कर सकती, पढ़ती हूँ सुनिएगा। कितना सितम शेर है आया न वो पुकार के, एक लड़की की आप बीती बयान कर रही हूँ, पढ़ती हूँ सुनिएगा। कितना सितम शेर है आया न वो पुकार के, बैठी रही तमाम रात जुल्फों को मैं सवार के, कितना सितम शेर है आया न वो पुकार के। और ये तारीखी शेर आप सभी की समातों के हवाले, ताज महल बनाइए या कोई और यादगार। यहाँ पर मैं कुछ लोग बातें करने में मशगूल हैं, मैं आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ, आप तशरीफ रखें अपनी नशिस्तों पर, पढ़ती हूँ सुनूंगी। कितना सितम शेर है आया न वो पुकार,
प्यार के ताज महल बनाइए या कोई और यादगार, ताज महल बनाइए या कोई और यादगार, हाथ न काटे जाएंगे अब किसी दस्तकार के, हाथ न काटे जाएंगे अब किसी दस्तकार के। और खुसूसी तौर पर मुझे इस शेर के लिए दो शार और पढ़ने पड़े, मैं उनकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ, पढ़ती हूँ सुनिएगा। के उनका लिफाफा खुलते ही खुशबू से कमरा भर गया, उनका लिफाफा खुलते ही खुशबू से कमरा भर गया, फूल कहाँ से खिल गए दिन तो न थे बहार के, फूल कहाँ से खिल गए दिन तो न थे बहार के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां बजा दें।